सब्सक्राइब कीजिए टेक गेमर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक गेमर। मैं फैसल फजील। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कॉल हिस्ट्री को कैसे वापस ला सकते हैं। जो आपके फ़ोन से आपकी जो कॉल लॉग हिस्ट्री होती है वो डिलीट जो हो जाती है, उसको आप कैसे वापस ला सकते हैं अपने फ़ोन से। केवल दो ही मिनट में आप वो अपने फ़ोन जो हिस्ट्री होती है, जितने भी देर की हो, क्यों ना एक साल की हो, दो साल की हो, जब तक आपका जो मतलब जो सिम की आप जैसे दो साल पहले का सिम है तो वहाँ तक निकल सकती है। तो उसी प्रकार से आप चाहे एक दिन की, चाहे एक घंटे की, या चाहे एक साल या एक दस साल के तक की अगर आपको सिम हो तो आप उसको वापस ला सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना होगा, वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कैपिटल लेटर्स में ई या स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं E2PDF। ये लिखने के बाद आपको केवल इसमें सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद पहला ही ऐप जो है मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये 6 MB का ऐप है, काफ़ी अच्छा यूज़फुल ऐप है आप लोगों के लिए भी। तो इसको आप यहाँ पे आकर इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ के। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है, इसके मदद से हम अपनी कॉल हिस्ट्री वापस ला सकते हैं आराम से। तो दूसरी बात हम करते हैं कि आपके जो ऐप्स हैं उसमें ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है अगर आपको ये चाहिए। तो आप जैसे मेरे में ईमेल है, आप में हो तो आप ही होना ही चाहिए, आपके ना हो तो आप इसको क्रिएट कर लीजिए, न्यू ईमेल बनाना सीख लीजिए और ईमेल को अपना मतलब ईमेल में सेट कर लीजिए जो अभी आप जीमेल बनाएं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको आना है इसी ऐप में और यहाँ लिखना होगा, लिखा है 123 दिया है। उसके बाद आई हैव रीड एग्री विद टर्म ऑफ यूजेस, इस पर भी आपको यहाँ पे एक टिक मारना है इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ आएगा क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा क्रिएट प्रिंटेबल PDF बैकअप। तो फ्रेंड्स, ये ऐप जो है इससे जो आपका वो निकलेगा वो प्रिंटेबल होगा, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए जनरल कॉल लॉग, हम लोग के कॉल लॉग निकालने अपने जनरल कॉल लॉग में क्लिक करके। आप यहाँ पे लिखा है कॉल लॉग डिटेल्स ऊपर वाले में 24 अप्रैल 2018 से 24 अप्रैल 2019 तक की। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी साल लगा सकते हैं, जितने भी साल पिछले। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी जिस सिम की वैलिडिटी हो वहाँ तक कि आप अपने कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महीने आ रहे हैं, जून जुलाई जो भी मैं चाहूँ, मैं तो इसी महीने की निकाल लेता हूँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बताने के लिए। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, मैं जिस तारीख की चाहिए मैं 21 अप्रैल से निकाल लेता हूँ 24 अप्रैल तक की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर फाइल नेम, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया फैजिल, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। उसका ओपन एनेबल होल्डर विथ फायर लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका जो होगा कि वो फाइल है एक्सपोर्ट होगी, फिर एक्सपोर्ट टू PDF करने के बाद में अलाउ करेगा, फिर अलाउ करेगा और फिर अलाउ, तीन अलाउ कर दिए। उसके बाद में इंस्टाग्राम मेरे मुझे फॉलो करिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है, जो हमारी फाइल है एक्सपोर्ट टू PDF फाइल वो एक्सपोर्ट हो चुकी होगी। आपको अपनी फाइल्स होंगे जो फ़ोन की फाइल्स होती हैं इंटरनल यूजेज या SD कार्ड जो भी आपका हो, आप ऐसे इंटरनल में ही आएगी, माई फाइल्स में आप आइए और यहाँ पे SD कार्ड इंटरनल जो भी हो, इंटरनल वैसे होगी आपके लिए। यहाँ आपको साफ साफ दिखता है E2PDF बैकअप एंड रिस्टोर, ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखता है, उस पर क्लिक कर दिया। यहाँ लिखा हुआ जो फाइल में डाली थी वहाँ पे फैजिल वही यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये देखिए ये सारी कॉल लॉग हिस्ट्री हमारी 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक की सब निकल आई है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, जो भी कॉल है, जो भी किससे करी गई है, डायल्ड हो या कुछ भी हो, वो सारी हमारी निकल चुकी है, आंसर हो या कट हो वो सब हमारी है अपन। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेम है अदनान, मैं पप्पू गुप्ता, और नंबर भी दिखाएगा, फिर फ़ोन नंबर आपको दिखाएगा, फिर टाइम दिखाएगा जिस तारीख का या जिस टाइम पे फ़ोन आया है या करा गया, फिर ड्यूरेशन दिखाएगा कितने टाइम तक ये आपने बात करी है, या दे सकते हैं, या ये भी दिखाएगा डायल्ड है कि मिस कॉल्ड है कि रिसीव है कि कुछ भी हो आपको दिखाएगा। तो फ्रेंड, आप तो समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से आपको कॉल और हिस्ट्री इस पर वापस लानी है। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गेमिंग और अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यूइंग और लाइव स्ट्रीमिंग करता ही रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो मैं इतना ही, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।